हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। हम में से कोई कभी भी नहीं जाना चाहता अस्पताल। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तीन जगह कभी भी इंसान जाना नहीं चाहता है, वो एक है अस्पताल, दूसरा है आपका कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन वगैरह, तीसरा है कोई कभी स्मशान कब्रस्तान वगैरह भी नहीं जाना चाहता है, जब तक वो फील ना करे कि अब उसका कोई और आगे कुछ होने वाला नहीं। ये सब जगह पे इंसान जाना नहीं चाहता, मगर क्या है कारण? नंबर एक है हमारे अंदर की एग्रेशन, दूसरा है कि लापरवाही, तीसरा है हमारी लैक ऑफ नॉलेज। ये तीन चीज याद रखें, ये तीन कमी के कारण हमको ये तीनों जगह जाना पड़ता है जीवन में कभी ना कभी। बचना चाहिए, हम कोशिश करते हैं आपको अस्पताल से दूर रखने के लिए, यानी फ्रीडम फ्रॉम अस्पताल की जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम एक प्रयास जारी रखें। उसी प्रयास का जो स्वरूप है आज का जो एपिसोड है, ये एपिसोड आपको यूरिक एसिड से दोस्तों बचाएगा, जॉइंट पेन से बचाएगा, घुटने दर्द से बचाएगा, हील पेन एंकल पेन से दोस्तों बचाएगा, कमर दर्द गर्दन दर्द सबसे आपको मुक्ति मिलेगी दोस्तों, तनाव कम होगी दोस्तों, ब्लड प्रेशर कम रहेगी, उसके साथ साथ आपका हाजमा ठीक होगा, कंस्टिपेशन भी दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर आप सही ढंग से एक एक शब्द पे ध्यान दोगे, पूरी वीडियो को देखोगे, समझोगे, फिर अमल में लाओगे। आधा अधूरा स्किप करके जो लोग देखते हैं उनको आधा अधूरा ही प्राप्त होती है, कभी कभी तो जीरो प्राप्ति। यानी 100% एफर्ट लगाओगे, जैसे मैं लगा रहा हूं 100%, तो आपको प्राप्ति भी 100% होगी। 99% का फॉर्मूला हमेशा आउटपुट दोस्तों जीरो लेती है। इसलिए हजारों तरह का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना कन्फाइंड करिए अपने माइंड को कि मुझे किसकी चैनल देखनी है, कौन मुझे मेडिकली सपोर्ट करेगा, किसमें टेक्निकलिटी है, किसमें ऑथेंटिक बातें हैं, वो आप अपना लॉजिकल और साइंटिफिक दिमाग का इस्तेमाल करिए। हजार ये वीडियो वो वीडियो स्कैटर्ड कर दोगे दिमाग को, लास्ट में पता चलेगा ये भी स्किप हुआ, वो भी स्किप हुआ, वो भी स्किप हो गया, ना घर के ना घाट के। इसलिए जो मेरे मित्र हो, जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हो, इस फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के साथ हो, वो बिना स्किप के 100% वीडियो देखोगे तभी मेरी थॉट प्रोसेस को समझ पाओगे। जब तक थॉट प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आपको वीडियो का लाभ नहीं होगा दोस्तों। इसी बात के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यह है मेरे हाथ में देखो दोस्तों साबूदाना का पानी, कि इसका इस्तेमाल कैसे करोगे कि ये सारी मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगी। इवन अप हार्ट डिजीज, कोरोनरी डिजीज जिसे कहते हैं, हार्ट अटैक वगैरह से बचने का उपाय भी इसके अंदर है दोस्तों। फीवर वगैरह में सबकी आदत है कि साबूदाना, पहले जमाने से डॉक्टर कहते थे कुछ ना हो तो साबूदाना बना के मरीज को दो, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट सिस्टम पे ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालता, हजम हो जाता है दोस्तों। बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी, शरीर और स्टमक जो है वो पूरा जहर से आपको मुक्त हो जाएगी और मुक्ति दिलाएगा आपका साबूदाने का पानी। इस्तेमाल कैसे करनी है? पहला होता है रात में आपको कांच के बाउल में कम से कम आधी मुट्ठी दोस्तों साबूदाना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, छोटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आधी मुट्ठी कम से कम आपको भिगोनी है, और जो ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं तो एक मुट्ठी का भी इस्तेमाल करिए। डेढ़ ग्लास दो ग्लास पानी में इसको भिगोना है और रात भर ऐसे रहने दें, सुबह उठ के उसको सीधे ग्राइंडिंग करें, ग्राइंडिंग करें, कपड़े छान करें, कपड़े में छान लें और उसको आराम से बैठ के 5 मिनट लग के आराम आराम से खाली पेट उसको आपको पीना है। पीने के बाद आपको वाशरूम जाना है दोस्तों, याद रखिए पीने के बाद वाशरूम जानी है।
जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, जिन्हें लगातार शुगर की समस्या है, जिन्हें मोटापे की समस्या है, दोस्तों उनको क्या करना है ना, जब आप साबूदाना आधी मुट्ठी या एक मुट्ठी रात में जब भिगाओगे तो इतना सा बड़ा दालचीनी उसमें डालनी है, उसी पानी में ही इसको भी डाल देना। और विंटर का समय हो तो आप दो ऐसे डाल सकते हो, गर्मी में एक डालिए। और जब सुबह इसको ग्राइंडिंग करोगे तो दालचीनी को भी उसमें ग्राइंडिंग कर लेना ना मॉर्निंग में, फिर उसको कपड़ा छान करिए या छन्नी में छान लीजिए और पियो। जबरदस्त दोस्तों लाभ, ओबेसिटी खत्म, डायबिटीज, शुगर लेवल दोस्तों न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर तो पहले ही बताया हूँ नॉर्मल हो जाएगी। दवाई नहीं लोगे, सबसे अच्छी बात है दवाई नहीं लोगे, धीरे धीरे मेडिसिन छूटेगी, एक दिन में नहीं छूटने हैं, ऐसा नहीं कि ये तुरंत शुरू किए तो उधर दवाई छोड़ दिए, ऐसे बात पे भी मत जाइए कि हर चीज़ दोनों को बैलेंस करनी है आपको। दवाई धीरे धीरे छूटेगी, जब ये हावी होगा तो दवाई कमते जाएगा, अल्टीमेटली आप बीमार मुक्त होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपको समर में मैंने बताया, विंटर और जो बारिश का समय है दोस्तों उस समय आप इस साबुदाने के जो पानी को हल्का गुनगुना करके आपको पीना है, गर्म पूरा नहीं करनी है, उबालनी नहीं है, सिर्फ थोड़ा गुनगुना करना है और उसको पियोगे, कंस्टिपेशन भी नहीं रहेगी दोस्तों आपको। बाकी जो समस्या मैंने जैसे बताया, यूरिक एसिड की खास करके समस्या दोस्तों इससे ठीक हो जाएगी, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही बढ़िया तरीका है और शरीर आपका ठंडा रहेगा। बात और पित्त समझो, पहले बात और पित्त दोनों इससे कंट्रोल में आएगा। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो किडनी के ऊपर जोर पड़ती है, किडनी को डिटॉक्सिफाइड कराएगा, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, जोड़ों में इसको रुकने नहीं देगा, ब्लड प्यूरिफाइड कर देगा, और क्या चाहिए। टाइम टेस्टेड, जो कहता हूँ टाइम टेस्टेड, सिर्फ किताबी बातें नहीं है या कोई इंटरनेट की खाली बात नहीं है, टाइम टेस्टेड, यूज किया गया, प्रयोग किया गया, रिजल्ट देखा गया, फिर बताया गया। तो यूरिक एसिड से मुक्ति मिल गई, जॉइंट गाउट की प्रॉब्लम, जॉइंट की समस्या, आर्थराइटिस की बीमारी सारे कंट्रोल में आ गए, शरीर में खिलखिलाता हुआ स्किन, ब्यूटी, यह सब निखर के आएगा दोस्तों। एक बात दोस्तों याद रखो, मेरी इस तरीके के हर टिप्स आपके बहुत काम में आएंगे, ऐसे 2500 टिप्स दोस्तों मैंने अपनी किताब में रखा हूं, ये हिंदी वाली किताब है, मैं बार बार दिखाता हूं, आप किताब घर में रखो, 2500 से ज्यादा टिप्स दोस्तों। आपको किसी डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा जरूरत होने से जाना है, नहीं तो नहीं जानी है, घर में ही होम रेमेडीज की किताब आ गई, जिनके पास किताब होगी मुझे फोन करोगे, व्हाट्सएप करोगे और सलाह लोगे। फोन नहीं उठाता हूं कई बार, तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेजना कि सारे किताब है हमारे पास, आप हमें पॉइंट बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में पॉइंट भेज दूंगा, आप उस पॉइंट को उसी तरीके से स्टिमुलेट करना। बाकी आयुर्वेदिक रेमेडीज तो इसमें है ही है। तो दोस्तों ये हिंदी वाली किताब है, जरूर घर किताब मंगाएं, हजारों तरह के हम खर्च कर जाते हैं पता नहीं चलता, जिंदगी में एक बार ही मंगानी है दोस्तों, 51 तरह का डिजीज अभी इसमें कवर्ड है। और ये इसका इंग्लिश वर्सन है, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, कई इलाका है, कई स्टेट है, कई देश है, वो अंग्रेजी मंगाइए, सेम टू सेम। तो दोस्तों ये किताब आपके घर होना चाहिए, ये बीमारी को दूर में रखेगा, किताब रहेगा, मैं दूर में रह के आपको गाइड करूंगा। जो लोग किताब लिए वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किताब कैसे लगा, आप इससे कैसे बेनिफिटेड हो रहे हो, तो दूसरों के ऊपर भी एक मोटिवेशनल एक ये हो जाता है कि वो भी मोटिवेटेड होता है। तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।